अब पूजा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी जी, बस अभी तैयारी चल रही है। यहाँ पर बन रहा है पूजा का मंडप। ओम नारायण समायुक्तं कार्तं सुरविभूषितं दाशनं देवदेव। ओम वासवपते स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताभ्य स्वाहा। पंडित जी 3 बजे जाएंगे, फिर स्नान होगा सबको सबको। ठीक है, तुरंत हम जा रहे हैं, गाड़ी रख जाते हैं। लेना आया हम कल लकड़ी में बस एक दिक्कत है, बारिश पड़ गया है। अच्छा, कागज पेपर पर लगा देवे। कहाँ से लाया? सुधीर अंकल के यहाँ से। इधर जिया का जो है प्रसाद के लिए लगता है लगभग तैयारी हो चुका है, तो अपना रेडी हो रहे हैं। अब जिया हो रही है खुद रेडी, और जी हमारा भी हो गया है स्नान। स्नान करने से पहले थोड़ा सोच रहे थे करें कि नहीं करें, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अगर एक बार आप जो है नहा लिए और उसके बाद अगर आपको बाथरूम लग गया तो फिर से आपको नहाना पड़ेगा। जब आप पूजा में बैठे हुए हैं तो उस समय आपको बाथरूम भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जाके नहाना पड़ेगा बार बार। जो पंडित जी जो है कुछ देर में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत भी ना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जी हम रेडी होके आ गए, हमको तो लग रहा था आज रेडी भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन रितु लोग आ गए तो मदद हो गया, तो हम सोचे जल्दी सब रेडी हो जाते हैं। हाँ जी, तब तक यहाँ पर जो है प्रसाद सब कुछ तैयार किया जा रहा है। पंडित जी अच्छा, एक पंडित जी थोड़ा लेट से आ रहे हैं, तो हम साड़ी भी नहीं पहन पाते। मम्मी भी यहाँ पर नहा करके तैयार है और अभी फोन पर कहीं बात कर रही है, कोई बात घर चल रही है प्रसाद की तैयारी। और यहाँ पर जो है सब्जी बन रहा है, क्योंकि उधर पूजा खत्म हो जाएगा, इधर जो है खाना बैकअप पे तैयार रहेगा। कारण है कि सब लेडीज सब व्यस्त है, तो विजिट कर दी कि हमको भी जाना है फल काटने। अच्छा, तो चलो हम सब्जी बना देते हैं। बढ़िया है, तो सब्जी हम बना ही लेते हैं। उसे भी जी जैसे ही पूजा खत्म होती है, प्रसाद जैसे ही हो जाता है वितरण, उसके बाद सबको लगती है बहुत तेज भूख। और अच्छा है कि पहले से ही सब कुछ तैयार रहेगा, बस उसमें पूरी तलना रहेगा, बस वही काम। कोई बात नहीं, कर लेगी सब। पंडित जी कोने में अभी समय है जी, अभी उनको कॉल किया था, बताया कि सब कुछ यहाँ पर तैयार है, बस आपका इंतजार है। उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट कर लीजिए, किसी काम में शायद वह व्यस्त है, तो कहे कि वह जो है 4 बजे करीब आएंगे। वैसे 3:30 बज ही चुका है, तो आधा घंटा समय है, तब तक जी अपना आ गई है छत पर। सोच रही पंडित जी को आने में समय है ही, नई साड़ी पहने तो फोटो खिंचवा लेना है, उसे साथ मिल रहा है रीमा का। पंडित जी के लेट आने का देख सकते हैं कितना जबरदस्त फायदा उठाया जा रहा है, एकदम पूरा टाइम का उपयोग किया जा रहा है। और जैसे ही पंडित जी आएंगे दौड़ के भागेंगे, क्योंकि सारा काम सुबह से कर रहे हैं हम लोग। तो जी अभी सब कुछ हो गया, पंडित जी थोड़ी देर में आएंगे, तो सोच रहे हैं प्रसाद ही बना के रख देते हैं, आधा आधा बाद में बनाएंगे, ताकि पंडित जी आ जाएगा सब पंडित जी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पंडित जी को क्या चाहिए नहीं चाहिए, इस वजह से आधा प्रसादी का सब कुछ इसमें डाल के रख देते हैं, फिर जब पंडित जी आएंगे तब आधा प्रसादी बनाएंगे। उधर पंडित जी आ गए हैं जी, और इधर चल रही है प्रसाद की तैयारी, और लगभग सभी को मिक्स किया जा रहा है। तो फाइनली जी पंडित जी आ गए हैं, और हम जो है अपना ड्रेस चेंज कर लिए हैं, इसी ड्रेस में करेंगे पूजा। यह कुर्ता ले लिया है और साथ में यह धोती, तो धोती और कुर्ता में होगी पूजा। अब पूजा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी जी, बस अभी तैयारी चल रही है। यहाँ पर बन रहा है पूजा का मंडप। इधर लगभग हो गई जी सारी तैयारी, और उधर जो है प्रसाद बन रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच चुका है यह काम। हो गया, बन गया सारा। हाँ। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी आ गए। ओम पवित्र पवित्र वास्तवस्थान जो स्मरे कुंडली का चम सौभा कुंडली का कुंडली का आचमनीय पुनः आचमनियापयस्वर्णाद्या पंचामृत पंचामृतवाहिताभ्यो नमः। लाल पीला फूल चंदन लगा करके ओम निर्मल लेपनम अर्पयम भोर्भुवः स्वः स्वर्णात्यवाहिताभ्यो नमः।
एक फूल ले प्रणाम कर लीजिएगा। अब देखिए मंडू गोपाल आप पे कैसे लगेंगे, अब ठीक है इस बनावट के है और कैसे उनका आचरण है वो सब आपको इस मंत्र से दिखाई पड़ेगा। ध्यायेत नित्यं महेशं ध्यायेत सत्यं गुणातीतं देवानां धूपोऽयं धूपत्रिग्रहीतं धूपमाग्राह्य भगवन्ति सत्ये नारायणाय नमः। थोड़ा वो दीप देखिए, दीप जल रहा है ठीक से उठा लो। ओम शाद्य वर्ग संयुक्तम वैनाम योतम भयादिपम ध्यान देवी सतलोक याद मीरा पम खंडति सुंदर श्याम भगवान श्री सत्य नारायणाय नमः। जैसा दिन से साक्षात धाम को स्थापित करे पर मैं क्या सुमारियो छे आपके दोस्त वया चलते कर दो। चलिए सर बिल पत्र भी रखिए थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा। ओम ध्यायेत नित्यं महेशं हृदयदेवं जागरूकं रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलं पद्मासनं सुमंतातस्तोत्रं विनयव्याकृतिं श्रवणं विश्वाद्यभिश्रियम्। शिष्यो मायसा सूत शिष्युक्त सूतम चाष्मा जय जय श्री खंडे सत्यनारायण जलता हुआ गिरा सकते हैं। यदि आप गिरा दिए तो हम नहीं पहुँचे सर, हो गया पहुँच गए। चार किलो आटा पानी मिलाना उसके बाद एक्सरसाइज करना तो इसलिए पूछ लिया ना। हवन कर्म प्रतिष्ठा जल घंटे को उसमें कर लो छोटा प्लेट में माचिस को बैठाइए जगह बनाइए बीच में पांच बार पढ़ लीजिए। ओम प्रजापते स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम मा कृष्ण सा वर्तमान निवेशन सूर्य स्वाहा। दूसरा लीजिए ओम चंद्रमा से स्वाहा। तीसरा ओम पूजाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्वराय स्वाहा। दुबरी दे दीजिए, दुबरी दे दीजिए सर, दूसरी पत्ता नहीं केवल दुबरी। ओम गुणाग्रहवे स्वाहा ओम विज्ञानवे स्वाहा ओम सूर्यादिग्रहाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम भगवान श्री सत्य नारायणाय स्वाहा। जल थोड़ा गिराइए सुख संपत्ति हरे आवे कर
आइए दिखा करके। एक आप ले लीजिए, एक रिमाल दे दे, ये कपड़ा आसमान रिकॉर्ड कर देंगे, खाली भी करेंगे, विराम मत दे, अच्छा है ना। पूजा तो संपन्न हो गया जी, अब बारी है प्रसाद वितरण की, तो जल्दी से यहाँ पर प्रसाद को तैयार किया जा रहा है। लोग सभी बाहर में इंतजार कर रहे हैं, बहुत तेज तेज हाथ चलाए जा रहा है। ग्लास निकाल के रख लो पहले, हाँ जाओ जाओ जाओ। चलिए जी, पूजा जो है काफी अच्छे से संपन्न हो गया, प्रसाद वितरण भी हो गया, लगभग जितने भी लोग थे सभी को प्रसाद मिल चुका है, और हो सकता है कुछ एक दो लोग का आना जाना लगा रहे। वैसे हम लोग जो है हमेशा ज्यादातर शाम के समय में ही पूजा करते हैं, ताकि सभी लोग उस समय जो है फ्री हो, और स्पेशली हम लोग संडे को करते हैं ताकि उस दिन सभी को छुट्टी रहे। तो इसलिए जब भी पूजा होता है हमारे यहाँ तो लगभग अच्छी खासी संख्या में लोग आ जाते हैं। सब कुछ तो हो गया जी, अब बारी है पेट पूजा की। तो यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? पूरी सब्जी बन चुका है, उधर खीर बन रहा है। अच्छा, खीर बन रहा है, कौन सा? चावल का। मेरा फेवरेट, जबरदस्ती बनवाई। बिल्कुल जी, जिया करी थी तब से सेवई का खीर, सेवई का खीर, लेकिन यहाँ किसी को पसंद नहीं था वो, जल्दी बन जाता है। और यहाँ पूजा करते करते बहुत लेट हो गया, और रीमा लगी हुई है सफाई डिपार्टमेंट में। कैसा लगा पंडित जी? ठीक है, सब्जी जबरदस्त बन रही। आपको कैसा लगा? वो अपने मुझे अपना बड़ा करे। कैसा लगा? तो हम लोग सुन रहे हैं, सब्जी इन्होंने बनाया, सबको खिला रही है। ड्राई फ्रूट से भरपूर लग रहा है, केसर का थोड़ा सा स्वाद आया, धुल जाएगा बाद में। रंग बहुत जबरदस्त था, शुरू से केसर डाले हुए हैं, बहुत अच्छी। वहाँ पर जिया साहब का खाना लग चुका है, तो वो लोग बैठ चुका है, एकदम जिस तरह भोज का व्यवस्था होता है ठीक उसी तरीके से पिकनिक हो रहा है। और बुफे, ऊपर से बुफे सिस्टम है, हाँ। है ना? आप लोग दीजिएगा, हम लोग अपने खाने चाहते हैं।